हेलो गाइस, आज मैं सिर्फ और नयन मांगा का चैप्टर 82 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट प्रोजेनिटर शिकामी डोजो के साथ सेकंड प्रोजेनिटर सेतो का फाइट हो रहा होता है। हालांकि फर्स्ट प्रोजेनिटर शिनुआ की बॉडी के अंदर होता है, ये बात याद रखना गाइस। तो उन दोनों का फाइट का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि सब कुछ बिल्डिंग आसपास सब टूटने लगता है। तो ये सब देख के गोरिन की टीम, शिनुआ की पूरा टीम ये सब देख के बोलता हूँ, उन दोनों के सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, अभी जब वक्त है हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी गोरिन की टीम आवई बोलती है कि लेकिन गोरिन कहाँ है, गोरिन तो हमारे साथ नहीं है। तभी शिनुआ बोलते शायद गोरिन घर से ही बाहर नहीं निकला, तो चलो सबसे पहले उसके पास चलते हैं। अब क्रोली फ्राइड के पास आता है, जहाँ पर क्रोली जाकर बोलता है कि देखो हमारा फादर कितना अच्छा शो प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने। तभी फ्राइड बोलता है हाँ, और हमेशा की तरह उन्हें आसमान की तरफ देखना अच्छा लगता है। और तभी क्रोली बोलता है हाँ, और तुम्हें उनकी तरफ। और तभी फ्राइड बोलता है नहीं नहीं, मेरा कोई फादर कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ भी नहीं है। तभी क्रोली बोलता है तुम्हारा क्या है। तभी फ्राइड बोलता है लोलिता कॉम्प्लेक्स। तभी क्रोली बोलता है हाँ, फनी जोक नहीं था ये बिल्कुल, लेकिन ये सब छोड़ो अब क्या करना है। तो फ्राइड बोलता अभी हम लोग हमारे दोस्तों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, वो लोग जो करेंगे हम लोग वही करेंगे। तभी ये सब क्रोली बोलता हमारा दोस्त कौन है अब। तभी फ्राइड बोलता ऑब्वियसली और नाना मोनी, मतलब वो गोरिन को बोलता है। और फ्राइड बोलता है कि वो अब फुल डिमन होने वाला है। तो अब फाइनली गोरिन की तरफ जाता है, जहाँ पर माहिरो बोलती है कि फाइनली गोरिन तुम अब पूरी तरह से डिमन बन जाओ। तभी गोरिन बोलता है अगर मैं बोलूँ कि मैं रेडी नहीं हूँ अभी तो क्या। तभी माहिरो बोलती है स्माइल करके तो फिर मैं तुम्हें और भी ज़्यादा इंकरेज करूँगी। तभी गोरिन बोलता है खैर छोड़ो, अगर इस बार में मैं फेल हो जाता हूँ और मर जाता हूँ ना तो अच्छी बात होगा। तो मायरो बोलते ये सब क्या बोल रहे हो तुम जीतने के बारे में सोच रहे हो, तुम जीतने के लिए सब कुछ करो तो फेल होने के लिए थोड़ी कर रहे हो। तभी गोरिन बोलता है फेल होता है तो सब कुछ आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो मायरो गोरिन को पकड़ के बोलती है क्या तुम रो रहे हो। तभी गोरिन बोलता है नहीं मैं रो नहीं रहा। तो मायरो बोलते क्या तुम्हें डर लग रहा है। तभी गोरिन बोलता हाँ। तभी मायरो बोलता कब से। तभी गोरिन बोलते जब मैं 5 साल रहता तब से। तभी एक बैक स्टोरी का सीन हमें दिखाया है जहाँ मायरो को गोरिन से दूर किया जाता है जब गोरिन 5 साल का होता है। गोरिन बोलता है ऊपर से कि मैं हमेशा से ही कमजोर रहा हूँ, कभी किसी को बचा नहीं पाया जिसको मैं चाहता हूँ। मेरे डैड को मेरे सामने बीहेडेड किया गया, मतलब उनका गला काट दिया गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तभी मायरो बोलते लेकिन तुम तो अकेले थे, इसमें तुम्हारे कोई कसूर नहीं है। तभी गोरिन बोलता लेकिन आज भी मैं किसी को भी बचा नहीं पाया। देखो शिनुआ उसके पूरा टीम बस टाइम के इंतजार में, जैसे टाइम खत्म हो जाएगा वो लोग मर जाएंगे। तभी ये सुनकर मायरो बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं, कैटास्ट्रोफी अगर तुम नहीं करते तो फिर कोई और करता, ये प्लान था प्री प्लान। तभी गोरिन बोलते मैंने ही किया, कोई और ने नहीं किया, और पता नहीं अगर मैं फिर से उन लोगों को वापस लाना चाहूँ तो मुझे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तभी माहिरो गोरिन को गले लगाती है, बोलती है कि तुम्हारी गलती नहीं हम दोनों का गलती है। तभी गोरिन बोलते और अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। तभी गोरिन की पीठ से हमें कुछ चेन निकलते हुए दिखाया जाता है, बिल्कुल जैसे सेतो की पीठ से निकलता है, सिर्फ पीठ से नहीं सेतो का तो हर जगह से निकलता है खैर। और तभी माहिरो बोलती है कि कम ऑन ऐसा ही करते रहो, अपनी डिमांड को पूरी तरीके से निकालो, और हाँ तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बेजाक होने नहीं दूंगी, तुम्हारी आधा डिमांड की ताकत मैं अपने अंदर ले लूँगी। और तभी वहाँ पर शिनुआ और बाकी टीम पहुँच जाते, वो लोग ये देख के शौक होता है, बोलते ये सब क्या हो रहा है। और शिनुआ तभी माहिरो को देख पाती है क्योंकि गोरिन की आधे डिमांड की ताकत माहिरो के अंदर जा जाती है। तभी शिनुआ एकदम गुस्सा हो जाता है, शिनुआ बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो माहिरो गोरिन के साथ, अगर तुम नहीं बोले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी माहिरो बोलते हैं कि तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। और माहिरो तभी चीन से हमला करते हैं सभी के ऊपर, और सभी लोग माहिरो को देख पाते हैं और सभी लोग शौक होता है पहली बार माहिरो को देख के, ऐसा लगता है शिनुआ के अलावा किसी ने भी माहिरो को पहले नहीं देखा है। और माहिरो तभी बोलते हैं गोरिन जल्दी से अपनी आँख बंद करो। गोरिन जैसे आँख बंद करके खोलता है वो तभी अपनी सोल के अंदर होता है, जहाँ पर हमें माहिरो को मरे हुए दिखाया जाता है, उसके सीने में एक चाकू तलवार घुसा हुआ रहता है। और तभी माहिरो चिल्ला रही होती है और उसके सीने से खून निकल जाता है, बहुत ही ब्रूटल सीन होता है, और उस खून से वो डिमन बनता है। और वो बोलता है कि कितना टाइम हो गया तुमने मुझे कैद करके रखा गोरिन। और तभी सीन मिकाहेला की पास जाता है, जब मिका ढूंढ रहा होता है यू कहाँ है, लेकिन वो तभी सेंस कर पाता है ये वाला डिमन को। और तभी सीन हमें आशुरा बोल रहा की बहन क्रू के पास जाता है, जब वो आ रही होती है यहाँ पर वो भी ये सेंस कर पा रही होती है। और तभी शिनुआ जो की मतलब फर्स्ट प्रोडक्टर है अभी, वो बोलते माए माए तुमने क्या उसे सेंस किया कि ये सब कुछ तुम्हारा काम है। तभी सहता बोलता है मैंने भी सेंस किया, लेकिन तुम्हें इस बारे में क्या लगता है क्या ये मेरा काम है या नहीं। और तभी गोरिन बोलता है नोया। तभी डिमन बोलता है क्या तुमने मुझे पुकारा गोरिन।
तुम्हें ताकत चाहिए ना, जो ताकत जिसके सामने पूरी दुनिया झुक जाए, जिस ताकत से पूरी दुनिया तबाह कर सको तुम। हाँ, मैं तुम्हें वो पावर दूंगा और फाइनली तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर डीमन बन जाओगे। और इधर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट चैप्टर होपफुली या नेक्स्ट वीक को आ जाएगा। फिर मिलता है लोकेशन दिल में सी आइज।